प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद से केवड़िया जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन में सवार होकर पद्म अवार्ड से सम्मानित लोग, धर्म, राजनीति, न्याय, कला, शिक्षा व साहित्य जगत से जुड़े लोग केवड़िया पहुंचे। नई ट्रेनों के चलने के बाद अब सभी जगह से केवड़िया पहुँचना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही पीएम मोदी ने डभोई जंक्शन चांदोद स्टेशन का उद्घाटन भी किया है। इस तरह दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने केवड़िया पहुंचना अब आसान हो गया है। रविवार को दिल्ली, वाराणसी, मुंबई तथा अहमदाबाद सहित देश के 8 शहरों को रेल मार्ग से जोड़ा गया है। केवड़िया देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन वाला स्टेशन है। पीएम मोदी हजरत निजामुद्दीन वाराणसी, दादर, मुंबई, अहमदाबाद, रीवा, चेन्नई, प्रताप नगर से केवड़िया के लिए शुरू की जा रही ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही देश दुनिया में आ रहे लोगों के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँचना आसान हो गया। अभी हवाई या सड़क मार्ग ही विकल्प थे। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल केवड़िया में ही मौजूद रहे। और आभारी हूँ, रीवा से केवड़िया, केवड़िया आधुनिक तीर्थ बन गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिन सरदार पटेल ने पूरे देश को एक किया, उनके स्टैचू से पूरे देश को भारतीय रेल ने अब जोड़ा है, जिसमें मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। वैसे भी लाखों श्रद्धालु और पर्यटक केवड़िया जाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने, और अद्भुत केवल पर्यटक स्थल नहीं, प्रेरणा स्थल के नाते केवड़िया का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को भी सौभाग्य मिलेगा, विशेषकर विंध्य के बहनों और भाइयों को केवड़िया जाने का। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। केवड़िया जगह भी ऐसी है जिसकी पहचान एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध से है। इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले पर्यटकों को तो मिलेगा ही, साथ ही ये केवड़िया के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।